Hello student, myself Bhupendra Singh Chauhan from Little Angel Senior Secondary School, Ganoda. Last video तक हमने operation of matrix and transpose of matrix and its types, symmetric and skew symmetric matrix के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था. आज हम उसी की exercise 3.2 solve करने वाले हैं. 3.2 के सारे question solve करने वाले हैं. ठीक है, और फिर लास्ट आपके मिसेलेनियस एक्सरसाइज पे सॉल्व करेंगे और आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा. इस वीडियो को अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो दे रहे हैं आपको एक a इक्वल टू और इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखा है -3 2 1 1 minus 4 7 and D matrix given है आपको इस तरीके से. ठीक है, ये पूरा आपको given है और पूछा गया है कि then find A plus B and A minus B matrix. तो हमने operation on matrix में easily सीखा था कि A plus B A plus B matrix को add कैसे करते हैं और उसकी क्या condition थी और वो सारा देखा था. चलो ठीक है, A matrix अगर लिखें तो -3 2 1 1 -4 and 7 प्लस क्या कर लेना है, प्लस ये मैट्रिक्स करना है 3 5 -2 -1 4 -2 इस तरीके से इन दोनों को ऐड करना है. तो यहाँ पर इसका ऑर्डर अगर हम लिख लें तो ऑर्डर हो गया 2 x 3 और इसका ऑर्डर भी हो गया 2 x 3. दोनों के ऑर्डर सेम है तो हमने कहा था कि एडिशन की क्या कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे. ठीक है, और रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड जो एडिशन वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 x 3 होगा. ठीक है, ऐड करते हैं तो ऐड कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि -3 a11 जो पोजीशन है, लोकेशन है वहां का, और यहां पर कौन सा b11 वाले लोकेशन से ऐड होगा, a11 किससे ऐड होगा, b11 से. चलो ऐड करते हैं तो -3 + 3 -3 ऐड हो जाएगा 3 से तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 - 1 करेंगे 0, और -4 + 4 0, and 7 - 2 then 5. ये क्या आ गया आपका A plus B matrix आपका आ गया. Second हमको find करने के बोला A minus B matrix find कर लो, तो A matrix हम लिख लेते हैं -3 2 1 1 -4 and 7 में से subtract करना है किसको, 3 5 - 2 and -1 4 - 2 then क्या होगा. अब देखो क्या करें, इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट. इसमें भी हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो उसी ऑर्डर का है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या कौन सा ऑर्डर का आएगा, 2 x 3 का, और करस्पोंडिंग एलिमेंट को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3 को, -3 - 3 और ये हो जाएगा -6 -3 - 3 - 6 2 माइनस, अब क्या करना पड़ेगा 5, 2 - 5 - 3 2 - 5 - 3 1 - -2. ठीक है, 1 - -1 - क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 हो जाएगा आपका 3. फिर नेक्स्ट देखते हैं 1 - - फिर प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा 2. फिर नेक्स्ट देखते हैं -4 - 4 - 4 फिर माइनस और 4 तो क्या हो जाएगा -8, माइनस के क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे. फिर देखते हैं 7 - - प्लस 7 - - प्लस यानी कि ये हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. वन बाय वन अच्छे से सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन हम लिख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में ठीक है कहा है कि a plus b इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है -7 0 2 and -5. इस तरीके से आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स एंड a - b इज इक्वल टू, यहां भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 and 0 3 इस तरीके से. ठीक है, देन फाइंड a and b, देन फाइंड a and b.
इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ए प्लस बी मैट्रिक्स ये गिवन है और ए माइनस बी मैट्रिक्स आपको ये इस तरीके से गिवन है और पूछा गया है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। ए प्लस बी गिवन है, आपको लिख देता हूं मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स माइनस सेवन जीरो टू एंड माइनस फाइव। इसको अगर हम कह देते हैं लेट इक्वेशन फर्स्ट एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स थ्री माइनस टू जीरो एंड थ्री। इसको कह देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है तो इक्वेशन है x plus y और x minus y की तरह अगर ट्रीट करें तो a और b की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड देन वी गेट माइनस प्लस b माइनस b कैंसिल a एंड a इक्वल टू 2a एंड मैट्रिक्स दिस प्लस मैट्रिक्स दिस देन रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस 7 ठीक है माइनस सेवन प्लस थ्री यानी कि ये हो जाएगा माइनस फोर एंड जीरो माइनस टू एंड थ्री एंड टू प्लस जीरो टू एंड माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। क्या किया हमने दोनों को ऐड कर लिया तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पोंडिंग एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया। ठीक है फिर से देख लेते हैं प्लस बी माइनस बी कैंसिल ए प्लस ए टू ए and this matrix plus this matrix minus 7 plus 3 minus 4 0 minus 2 minus 2 2 plus 0 2 and minus 5 plus 3 minus 2 then a matrix is equal to what 1 by 2 minus 4 minus 2 2 and minus 2 and this अब 1 by 2 क्या है आपका scalar value है और हमने पढ़ा था कि स्केलर वैल्यू का मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि उस स्केलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई जितने भी अंदर एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं इसके सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू रिजल्ट आएगा यहाँ पर माइनस वन आएगा और यहाँ पर वन आएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस वन। तो ये मैट्रिक्स आपका कौन सा हो गया ए मैट्रिक्स हो गया। ठीक है अगर ए मैट्रिक्स हमको मिल गया है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके भी बी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है लेकिन हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमको हमने जब इन दोनों को ऐड किया था ठीक है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड किया था तो बी कैंसिल हो गया था। ठीक है अब क्या करें इन दोनों इक्वेशन को अगर सबट्रैक्ट कर लें इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी और माइनस माइनस बी यानी कि ये प्लस होके टू बी रिजल्ट आ जाएगा। यानी हम अब करने वाले हैं बाय सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड देन रिजल्ट विल बी 2b लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2b और राइट हैंड साइड विल बी तो राइट हैंड साइड अगर हम यहां पर लिख लेते हैं देखो माइनस 7 0 2 एंड माइनस 5 दिस मैट्रिक्स सबट्रैक्ट कर लो किसको इसको 3 माइनस 2 0 एंड 3 इसमें कर लेते हैं। तो जब हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो 2b इज इक्वल टू क्या आएगा देखो यहां मैट्रिक्स आ गया माइनस 7 में से माइनस करना 3 को तो माइनस 10 हो जाएगा 0 माइनस एंड माइनस प्लस तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है फिर 2 माइनस 0 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 देन वी कैन गेट a b इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड दिस मैट्रिक्स माइनस 10 2 2 माइनस 8 देन b की वैल्यू हो जाएगी तो इस 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2 फिर 1 एंड 1 एंड माइनस 4 इस मैट्रिक्स b a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स इज इजीली सॉल्व क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3
3, 1, -1 and B matrix is equal to 2, 1, and -1, 1, 2, and 0. Then find matrix C where A plus 2B plus C is equal to 0 is equal to O, or their O is what? 0 matrix. 0 matrix or null matrix. O is what? 0 matrix or null matrix. इस question को करना है, तो A given, B given, और find क्या करना है हमको? Matrix C find करना है, वहाँ जहाँ पर A plus 2B plus C is equal to 0 है, ठीक है, O है, और O है, यहाँ पर O जो है वो क्या है? 0 matrix और null matrix. Let's start it. Solve, ठीक है, solve करना है, तो हम कहाँ से start करेंगे? Given. What given? Given that. A plus 2B plus C is equal to 0. ठीक, अब देखो क्या करें, A matrix plus B matrix, तो यहाँ पर अगर मुझे C matrix चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो C matrix हो जाएगा null matrix minus A minus 2B matrix. Clear? Then C matrix is equal to, अब यहाँ पर अगर हम A null matrix की value करें, null matrix की value हम लिखें, तो null matrix किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसका ऑर्डर हमको डिसाइड करना पड़ेगा. तो इसका ऑर्डर जो डिसाइड करना है, वो करने के लिए हम देखेंगे कि उसके साथ में जो अदर मैट्रिसेस हैं, अदर मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे. चलो ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, इसको मैं पहले लिख लेता हूं. इसका ऑर्डर क्या है बोलो? 3 क्रॉस 2. तो नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? 3 क्रॉस 2 लिख लेते हैं. चलो, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 2, क्या? 0 0 0 0 0 एंड 0. माइनस क्या करना है? ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स लिख लो, क्या है? 1 2 एंड 3, फिर है आपके पास 3 1 एंड माइनस 1, ठीक है, और फिर है माइनस 2 भी करना है, तो 2 इनटू बी मैट्रिक्स करें, ठीक है, तो 2 इनटू बी मैट्रिक्स, तो 2 1 माइनस 1 एंड 1 2 0. This is, इस तरीके से आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लें तो आपका क्या आ जाएगा? C matrix आ जाएगा. चलो C matrix फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, C matrix फाइंड करें तो उसका जो resultant order होगा वो भी यही होगा. तो इसको हम one step में सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो. तो इसका जो result होगा, उसका order क्या होगा? 3 cross 2. जो C का order है वो भी क्या होगा? 3 cross 2. अब ध्यान से देखें, तो ये इसमें से separate हो रहा है, तो इन दोनों का जो resultant order होगा वो 2 cross 3 होगा, और उसमें से ये भी 2 cross 2 वाला ही separate हो रहा है, तो भी ये order क्या रहेगा आपका? 3 cross 2. और अलग अलग step में कर लेते हैं. देखो क्या करना है, corresponding subtract करते हैं तो corresponding element separate होंगे. अगर हम किसी scalar का multiply कर रहे हैं, तो each element सब में इसका क्या होगा? Multiply होगा. तो चलो करते हैं, और तीनों 0 -1, ठीक है, 0 -1, और यहाँ पर अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें, चलो पहले इन दोनों को लिखें, तो ये हो जाएगा -1 -1 -1. देखो 0 -1 -1 -3 -2 -1 and -3 and +1 -1 +. देन यहाँ पर सॉल्व करें, तो माइनस और 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? सब में पूरे एलिमेंट जितने भी हैं सब में इसका मल्टीप्लाई होगा. चलो करते हैं, सब में 2 मल्टीप्लाई माइनस एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0. इस तरीके से आपका आ जाएगा. और सी मैट्रिक्स अगर हमें चाहिए, तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लो आप? सबट्रैक्ट कर लो. इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लो? सबट्रैक्ट कर लो. इन दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करते हैं, -1 -4 -5 -1, करस्पोंडिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है, -1 -4 -5 -3 -2 -3 -2 -5 -3 -2 -5 -2 -2 -4 -1 -4 -5
Yes. Next, minus 3 plus 2. Minus 3 minus minus plus 2. Minus 3 plus 2 minus 1. 1 minus 0. तो ये आपका क्या हो गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो सी मैट्रिक्स है वो निकल कर आ गया. क्लियर हो गया होगा. क्लियर बहुत है इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सिंपल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू तो जिस तरीके से दिया आपको 2 - 1 - 3 - 2 एंड बी मैट्रिक्स ये कुछ इस तरीके से दिया 0 - 4 - 1 - 7 ठीक है. और फाइंड करना देन फाइंड के लिए बोला गया है आप लोगों को 3a² - 2b फाइंड करने के लिए बोला गया है 3a² - 2b ठीक है. तो फाइंड कर देते हैं सबसे पहले. तो देखो a स्क्वायर आ रहा है और b आ रहा है तो पहले a स्क्वायर के बारे में सीखते हैं. a स्क्वायर क्या होता है. a स्क्वायर का मतलब आपको पता है a डॉट a करना है. तो a स्क्वायर की वैल्यू यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले a b ये लिखने ठीक है a स्क्वायर हम निकाल लेते हैं. a कैसे फाइंड करेंगे a डॉट a करके a मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करके ठीक है. a मैट्रिक्स क्या है बोलो 2 - 1 - 3 और 2 ये हम लिख लेते हैं. और b मैट्रिक्स जो है उसको फिर से a मैट्रिक्स ही लिखना 2 - 1 - 3 - 2 इस तरीके से वापस लिख दिया. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमने पढ़ा हुआ है क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना सेम ऑर्डर के हैं तो रिजल्ट क्या होगा वही ऑर्डर रहेगा. अब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही थी ना a11 पोजीशन. अब हम लिखने नहीं वाले सीधा करेंगे a11 है ना तो फर्स्ट रो किसकी लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम किसका सेकंड मैट्रिक्स का. चलो ठीक है तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 4 हो जाएगा ठीक है. 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4 और -1 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस क्या हो जाएगा जी. ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वो यहां आ जाएगा 1 2 a12 लोकेशन ठीक है. तो ये हो जाएगा हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1 - 2 एंड -1 मल्टीप्लाई 2 -2 क्लियर. फिर यहां पर हो गया a21 सेकंड रो अब क्या लिखेंगे हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो इसको यहां लिखेंगे a21 पर तो लिखेंगे 3 × 2 6 एंड 2 × 3 + 6 नेक्स्ट देखेंगे 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 3 × -1 - 3 एंड 2 × 2 4 तो इस तरीके से हमने लिख लिया. तो ओवरऑल हमको a स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड हो गया कितना 1 - 4 = 12 एंड 1 ठीक है एंड क्या हो गया इस तरीके से a स्क्वायर आ गया. लेकिन हमको तो a स्क्वायर नहीं फाइंड करना लेकिन यहां पर a स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने पहले क्या फाइंड कर लिया a स्क्वायर फाइंड कर लिया. अब हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमको -2b तो क्या हो जाएगा देखो 3 a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 - 4 एंड 12 1 ये हो गया -2 × b की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 - 4 - 1 एंड 7 ये हमने a स्क्वायर एंड b की वैल्यू हमने पुट कर ली. इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो तो ये हो जाएगा 3 का अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा 3 - 4 - 3 - 4 - 12 and 3 - 1 3 - this 2 - 0 0 2 - 4 8 2 - 7 14 इस तरीके से हम लिख लेंगे. और अगर हमें इन्हें सबट्रैक्ट करना है तो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे करस्पोंडिंग एलिमेंट को आप सबट्रैक्ट कर लोगे. चलो ठीक है तो 3 - 0 3 - 12 - 8 - 12 - 8 - 20 क्लियर हो गया होगा. अब देखो 36 - 10 - 2 36 - -2 यानी कि +2 38
3 माइनस 14 माइनस 11 इज दैट क्लियर। ये आपका क्या हो गया, इसका इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो निकल कर आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। यस, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, गिवन है आपको 0 1 2 3 और 3 2 1 0, ठीक है इस तरीके से, और सेकंड आपको मैट्रिक्स गिवन है बी मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0, इस तरीके से आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, टू मैट्रिक्स आर गिवन, देन प्रूव दैट प्रूव दैट ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना हमको, ए बी मैट्रिक्स है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए टू प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस ये कि आप इन दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं 0 1 2 3 3 2 1 0 एंड मल्टीप्लाई में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई में करना है 0 1 2 3 और 3 2 1 एंड 0। तो इस तरीके से ए इनटू बी कर लिया, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स, ये कर लिया। और हमने कहा चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर करो, ऑर्डर क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 4 और ऑर्डर यहाँ क्या है 4 मल्टीप्लाई 2, देन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लिखते हैं, बनाते हैं इसका, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं 0 मल्टीप्लाई 0 रिजल्ट 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, ठीक है ना। अभी जब ये 1 में ही चल रहा है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जितने मल्टीप्लाई करने देखो, ठीक है, तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, सेकंड 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 9, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उस पे जाते हैं, तो अब क्या होगा 3 0 मल्टीप्लाई 3 0, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 0 0 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 3 0, इस तरीके से। और लास्ट में सेकंड रो और कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम है 3 3 3 2 3 9 3 मल्टीप्लाई 3 9 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 0, इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का निकल कर आ गया। देखो क्या 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, क्या आ गया 14, 2 प्लस 2 4 4 आ गया, यहां पर भी क्या आया 4 और यहां पर भी क्या आया 14 आया, तो ये आपका मैट्रिक्स निकल कर आ गया कौन सा, ए बी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं बीए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं बीए फाइंड करते हैं, ठीक है, बीए मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, पहले हम बी को लिखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा हो गया आपका बी हो जाएगा 1 2 3 और 3 2 1 0 1 3 2 1 0, और अगर बात करें सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा ए 1 2 3 3 2 1 0, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, इसका ऑर्डर क्या है 4 मल्टीप्लाई 2, इसका ऑर्डर क्या है
टू मल्टीप्लाई फोर, ध्यान से देखो टू इक्वल टू टू हो रहा है ना, हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, रिक्वायर्ड ऑर्डर फोर मल्टीप्लाई फोर, तो इसका हो जाएगा नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका फोर क्रॉस फोर का, नया जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा फोर क्रॉस फोर का। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन वन पोजिशन होगी ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन, तो जीरो प्लस थ्री नाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब कौन सा कॉलम लेंगे, सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, नेक्स्ट सिक्स हो गया। फिर देखो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई टू, जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो, एंड थ्री मल्टीप्लाई वन, एंड नेक्स्ट फोर्थ कॉलम जीरो मल्टीप्लाई थ्री जीरो, एंड थ्री मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ये जीरो वैल्यू होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब रो चेंज करेंगे सेकेंड रो, और वही सारे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, ठीक है और सिक्स है। फिर देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वन मल्टीप्लाई वन वन प्लस टू मल्टीप्लाई टू फोर, यानी क्या हो गया फाइव। नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वन मल्टीप्लाई टू टू प्लस टू मल्टीप्लाई वन फिर टू, यानी कि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, वन मल्टीप्लाई थ्री थ्री, टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो, यानी ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट अब क्या लेंगे, थर्ड रो, क्या लेंगे थर्ड रो, फिर फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जीरो और थ्री, क्या रिजल्ट आएगा थ्री। फिर यहाँ कर लेता हूँ टू मल्टीप्लाई वन टू और वन मल्टीप्लाई टू टू, यानी कितना हो गया फोर। फिर नेक्स्ट है टू मल्टीप्लाई टू फोर प्लस वन फाइव, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स प्लस जीरो, यानी कि हो गया सिक्स। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट फोर्थ रो, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम जीरो, थ्री मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई थ्री जीरो, तो ये रिजल्ट आ गया जीरो। इस तरीके से हम लिख देते हैं, देखो थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स और थ्री मल्टीप्लाई थ्री। इस तरीके से आपका बी ए मैट्रिक्स निकल कर आया, ए बी मैट्रिक्स का रिजल्ट ये था और बी ए मैट्रिक्स का रिजल्ट ये है, और हमको कंप्लीटली शो हो रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कंप्लीटली दिख रहा है कि ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो क्या कि एक और तरीका जो था उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि हमको पता है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 4 का था, और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है तो ऑर्डर जो है वो क्या है 4 क्रॉस 2 का था, तो मुझे कंप्लीटली पता है कि ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका क्या होने वाला है 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। मैंने क्या देखा, ऑर्डर देखा कि ऑर्डर ऑफ ए इज दिस, ऑर्डर ऑफ बी इज दिस, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज 2 क्रॉस 2, एंड सेकंड क्या करेंगे बी का ऑर्डर पहले लिखेंगे और ए का ऑर्डर बाद में लिखेंगे, ये देखो। अब बताओ ऑर्डर ऑफ बी ए इज व्हाट, तो 2 को 2 एंड 2 से ऑर्डर ऑफ बी ए इज 4, और हमने इक्वलिटी में पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर इफ ऑर्डर शुड बी इक्वल, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। यहां पर ए बी का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2 और बी ए का ऑर्डर क्या लिखेंगे हम 4 क्रॉस 4, देन ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, If fx is equal to cos x minus sin x 0 0 1 sin x cos x 0 0, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, fx is equal to इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, then show that, then show that
क्या शो करना है? तो आपको शो करना है f of a dot f of b करें तो क्या आना चाहिए? f of a b के इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए f of a b के a plus b के इक्वल आना चाहिए, a b के नहीं, a plus b के इक्वल आना चाहिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमको क्या प्रूव करने के लिए बोला? हमको बोला कि f of a is equal to dot f of b करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो चलो f of a कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? f of a dot f of b क्या कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड f of a dot f of b करते हैं तो f of a क्या होगा? तो f of a हो जाएगा कि अगर हम फंक्शन में x, देखो यहां x पुट किया हुआ है तो यहां पर sin x cos x जैसे चल रहा, अगर हम उस x की पोजीशन पे a पुट कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा? cos a minus sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स, अब b करें, f of क्या करें? b करें, तो ये हो जाएगा cos b minus sin b and 0। फिर देखते हैं डॉट में, और फिर हो जाएगा साइन बी कोस बी एंड जीरो, फिर हो जाएगा जीरो जीरो एंड वन, इस तरीके से आपका हो जाए। तो एफ ओ ए जो है वो क्या बना? मैट्रिक्स, और एफ ओ बी भी क्या है? मैट्रिक्स है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आना चाहिए। चेक कर लेंगे, चलो राइट, क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर लेंगे इन दोनों? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई देखो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स होगा उसका भी वही ऑर्डर होगा। अब देखो क्या करें, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cos a क्या बन रहा है? देखो cos a cos b cos a into cos b, फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से पूरे से करना है, अब इसका इससे होगा तो ये बनेगा माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? फिर करेंगे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस ए साइन बी, और फिर आएगा इसका माइनस साइन ए कॉस बी, एंड इसका इससे करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो जीरो एंड जीरो, रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, रिजल्ट क्या है आपका? जीरो आ रहा है निकल, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही आ रहा है कॉस ए साइन बी, और जीरो का जीरो से करेंगे जीरो। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया, ठीक है। और फिर हो गया प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और फिर थर्ड जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जीरो फिर जीरो फिर जीरो, ये रिजल्ट क्या आ गया? जीरो। तो इस तरीके से आप ये मल्टीप्लाई जब करते हो तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकल कर आने वाला है, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का रिजल्ट करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखो कि cos a cos b minus sin a sin b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है डिनोमिनेटर में अच्छे से, तो इसको हम लिखेंगे sin, सॉरी cos, cos a plus b, किसका फॉर्मूला? ये cos a plus b का। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a plus b का, sin a plus b, और लास्ट वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? जीरो हो गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड, ये भी फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, और ये हो गया कॉस ए प्लस बी एंड जीरो 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 एंड वन, ये कुछ रिजल्ट इस तरीके से निकला, तो ये निकला, लेकिन प्रूव कहाँ हुआ? तो प्रूव हो चुका है, ध्यान से देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर x पुट किया है तो यहाँ x x x और x लिखना, अगर यहाँ पर a लिखा है तो हम इनकी पोजीशन पे a पुट कर देते हैं, b लिखा हुआ है तो b पुट कर देते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स निकला है उनमें उन चारों की पोजीशन पर जो जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या शो हो रहा है? a plus b हो रहा है, ध्यान से देखो a plus b a plus b a plus b और a plus
बी, तो ऐसा कब होगा? अगर यहाँ पर मैं ए प्लस बी पुट करूंगा तो ये जो पूरा है उसमें ए प्लस बी जैसा ये मैट्रिक्स शो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो निकला है वही आपका क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी है, यानी कि राइट हैंड साइड है, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उस तरीके से है, इफ ए इज इक्वल टू 4 2 -5 1 0 3 1 0 3 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इस तरीके से देखकर लिखते थे 6 -7 and 0 -1 2 and 1 0 ठीक है, then prove that a b transpose, क्या प्रूव करना है, a b का ट्रांसपोज, a b का मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज करें। तो रिजल्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अगर a b का ट्रांसपोज हो तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज नहीं होता, ये किसके इक्वल आने वाला है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। अब ये प्रूव भी करना है यहां पे, ठीक है, तो प्रूव करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, a b की बात हो रही है, ठीक है, तो a b फाइंड कर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो a b फाइंड कर लेते हैं। पहले तो क्या फाइंड कर लेंगे, a b, a मैट्रिक्स लिखते हैं 4 2 -5 1 0 3 एंड b मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं 6 -7 and 0 -1 2 and 5 1 0 and 2। इस तरीके से आपका क्या है, ए बी मैट्रिक्स लिखा। तो इसमें सबसे पहले डिसाइड करेंगे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर बोलो क्या है, इसका ऑर्डर है आपका 2 x 3 है और इसका जो ऑर्डर है वो है 3 x 3 है। तो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 x 3। दिख रहा है सबको, सबको पता है ना 3 और 3 इक्वल हो गए और 2 और ये 3, तो ये हो गया 2 x 3 इस तरीके से। तो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24 क्या करना है, चलो 24 लिख लेते हैं। फिर क्या होगा, 2 − 1 and 5 − 2 and −5 × 1 तो −1, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो अब ये हो जाएगा 4 × −28, फिर नेक्स्ट 2 × 2 = 4, फिर नेक्स्ट −5 × 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 × 5 = 10 एंड −5 × 2 −10। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर करें तो सेकेंड रो, अब क्या लेंगे हम सेकेंड रो उसके साथ फर्स्ट कॉलम, तो 6 × 1 = 6 तो ये आ जाएगा आपका 6। फिर देखो 0 × 0 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × −7 −7 2 × 0 = 2 0, चलो 0 लिख लेता हूँ, और 3 × 0 = 0 तो ओवरऑल आ गया −7। फिर नेक्स्ट अब चलेंगे तो 1 × 1 = 0 1 × 0 = 0 0 × 5 = 0 3 × 2 = 6 इस तरीके से आपका a इंटू बी क्या निकल कर आ गया, ए बी, ए बी, ए बी मैट्रिक्स निकल कर आ गया, क्या निकला देखो, तो ए बी मैट्रिक्स आपका आ गया, देखो लिख लेते हैं 24 − 7 24 − 2 22 22 − 7 यानी ये हो गया 17। फिर देखो −28 + 4 − 24 − 24 फिर नेक्स्ट देखो 0, अब 6 + 3 9 −7 and 6
इस तरीके से आपका क्या मैट्रिक्स निकला, ए बी मैट्रिक्स आपका निकल कर आ गया। और अगर हम हमको क्या पूछा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज देखें तो क्या करना है, जो रो है उनको कॉलम लिख देना, रो को कॉलम, ये फर्स्ट रो है कॉलम में लिखो, 17 - 24 0, ये कॉलम बन गया। फिर सेकेंड रो उसको सेकेंड कॉलम में लिखो, 9 - 7, ये उसका क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका हो गया। ठीक है, तो इसको कहें ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए अगर हम देखें तो क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज रहेंगे और ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर लो, तो उसको हम करते हैं देखो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज क्या होगा बोलो, बी ट्रांसपोज ये, तो ये इसका और रो को कॉलम बना ले, रो को क्या बना ले कॉलम, तो इसकी रो को कॉलम बनाए, तो ये फर्स्ट रो है इसको कॉलम में लिखते हैं, तो 6 - 7 0। ठीक है, सेकेंड रो को कॉलम में लिखे तो -1, फिर 2 5, -1 2 5, फिर नेक्स्ट थर्ड रो को भी कॉलम में लिखे तो ये हो जाएगा 1 0 2। ठीक है, और दूसरा ए ट्रांसपोज चाहिए, क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में भी इसकी जो रो है, ए की जो रो है उसको इसमें लिख दें कॉलम में, तो लिखेंगे कॉलम में तो क्या आएगा, देखो ये 4 2 - 5, और सेकेंड रो को भी कॉलम में 0 3। इस तरीके से आपका क्या बन गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो रिजल्ट कैसा आएगा, चलो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये आपका एलएचएस जो है उसका रिजल्ट आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको रहने देते हैं, बाकी सारा रफ कर लेते हैं, रफ करते हैं, रफ कर लेते हैं आपको पूरे, बाकी कुछ पूरा ही रफ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो था लेफ्ट हैंड साइड आ चुका था, और हमको राइट हैंड साइड क्या करना था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो लेट अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो बी ट्रांसपोज कहाँ है, तो ये रहा बी ट्रांसपोज, तो इसको लिख लेते हैं, बी ट्रांसपोज हो गया 6 - 7 and 0, थर्ड -1 2 and 5 and 1 0 and 2, तो ये आपका हो गया बी ट्रांसपोज। और दूसरा ए ट्रांसपोज की बात करें तो ये हो जाएगा 4 2 - 5 and 1 0 3, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, तो आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही बात है, इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 x 3, और इसका ऑर्डर है 3 x 2, तो जो रिजल्ट होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 और 3 सेम हो गया, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 x 2 3 x 2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, देखना ध्यान से क्या ऑर्डर होगा इसका, 3 x 2, चलो बनाते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 6 × 4 = 24, और -1 × -2 and -5, तो ओवरऑल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 24 - क्या करना है आपको, सीधा 7 24 - 8, तो ये हो जाएगा आपका, पर ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 1 × 1, तो ये हो गया देखो 24 - 1 × -2 - 2 and 1 × -5 = 5, 24 - 7 24 - 7, तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा 17 आ गया, फर्स्ट सेम ही आ रहा है ना, सेकंड चेक कर लेते हैं, एक और 6 × 1 = 6 6 - 1 × 0 0 1 × 3 = 3 9, देखो सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरऑल सेम ही, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो चेक ये वापस निकल कर आ जाएगा 0 से, मतलब हमको पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कहा है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव करने के लिए बोला है मैट्रिक्स दे रखा है एक्स वाई और जेड इस तरीके से, और सेकेंड में भी इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखा है। लिख लेते हैं ए बी सी एच जी एफ, जी एफ इस तरीके से दे रखा है, और थर्ड यहां पर एक्स वाई जेड इस तरीके से, और इसको प्रूव करना है। इसको जो प्रूव करना है वो है मैट्रिक्स बनाया है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, टू एच एक्स वाई प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स, टू जी जेड एक्स इस तरीके से। ये हमको प्रूव करना है कि इसकी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो इसके इक्वल आती है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये वाली है आपकी पूरी, ठीक है। मैं इसको रिपीट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा यहीं से सॉल्व करना शुरू स्टार्ट कर रहे हैं कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैं इनका केवल मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये इसका ऑर्डर बोलो 1 क्रॉस 3 है, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, इस तरीके से इसका ऑर्डर चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों का पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये 3 और ये 3 सेम हो गया, तो नया जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। 3 और 3 सेम, हमने पढ़ा था कंडीशन, और ये 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, मतलब जो नया मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स। कैसा हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, क्योंकि 1 रो है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा ax, क्या हो जाएगा ax, फिर y का x से यानी कि hy, और फिर z का g से यानी कि हो जाएगा gz, ठीक है, z मल्टीप्लाई बाय g, तो ये हो जाएगा gz। फिर करेंगे सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा hx प्लस by 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 प्लस एफ जेड, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम से करें तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस प्लस सी जेड, प्लस सी जेड, ये आपका निकल कर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 1 क्रॉस 3 बन गया, और जो बचा हुआ और मल्टीप्लिकेशन करना है वो है एक्स वाई जेड से, किससे करना है, एक्स वाई जेड से करना है। तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। देखो 3 और 3 तो सेम हो गया, तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1, जो कि हमको आरएचएस पे चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो नया जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा सीधा 1 क्रॉस 1 का ही बनेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे होगा, तो 1 क्रॉस 1 एक ही एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट रो एक ही रो है और फर्स्ट कॉलम बस, और तो कुछ है ही नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ax प्लस hy प्लस gz में किसका मल्टीप्लाई होगा, x का, तो हम करेंगे इसको x ax प्लस hy प्लस gz प्लस, और इसका किससे होगा, सेकंड से, तो ये हो जाएगा, ये कौन है y, तो y का मल्टीप्लाई होगा किससे, hx प्लस by प्लस hfz इस तरीके से, और सॉरी ये हो जाएगा एफ जेड से। थर्ड किसका, जेड का मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड से इस तरीके से, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लेते हैं। बोलो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली वही यहाँ पर करें, या कहा करें वाई का, अगर बी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बी वाई स्क्वायर, और सी जेड का सी जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सी जेड स्क्वायर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, टू एच एक्स वाई, एक्स वाई का एच एक्स का ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से एच एक्स वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, और एच एक्स वाई यहाँ से भी आ रहा है, यानी कि ये हो गया टू एच एक्स वाई, और फिर सारे इस तरीके से आपकी सारी वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट है जी जेड एक्स, और ये आपका आरएचएस हो गया एन
प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8th क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स 9 क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। ए मैट्रिक्स दे रखा है जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है, समझते हैं एक बार। एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करने के लिए बोला है, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, लिख लेता हूं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 9i is equal to एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये आना चाहिए 6 1 2 5 4 4 and 2 8 minus 3, ये इस तरीके से प्रूव होना चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो a स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डॉट a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर। फिर क्या करेंगे, 9 है ये तो कोई दिक्कत नहीं, 9i, यहाँ पर i जो है वो क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस कौन से ऑर्डर का होगा, ये 3, देखो i लिखा है ना, ठीक है, और 3 क्रॉस 3 वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है, लेकिन नहीं भी दिया होता तो हम इसको कौन सा ऑर्डर का लेते हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ले लेते हैं, ठीक है। तो और फिर सबकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर लोगे और मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको करवाने की जरूरत नहीं है वैसे, और लगेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि सर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना चाहिए, तो उसको डाउट क्लास में सॉल्व करवा देंगे, ट्राई जरूर करना, ठीक है, हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है आपको a 4 1 और सेकेंड मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 0 1 0 2 एंड 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 और साथ में एक और मैट्रिक्स है a 4 1 is equal to O where O is zero matrix, then find A. क्या बोला गया आपको कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, then find O is zero matrix, then find the value of A. इसमें A की वैल्यू आपकी क्या होगी, इसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, करो 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले तो नया ऑर्डर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 1 क्रॉस 3, क्या बनेगा 1 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4, 2a प्लस 4 0 हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा a प्लस 0 प्लस 2, a प्लस 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 2a प्लस 8 माइनस 4, तो ये आएगा 2a प्लस 4। इस तरीके से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिजल्ट आता है। फिर साथ में क्या चल रहा है, a 4 1, ठीक है। अब देखो क्या करें, तो ये हो गया 3 क्रॉस 1 है, तो नया जो इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 मैट्रिक्स। अब देखो क्या, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई से रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई से आएगा, वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा, मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट आपका होगा। चलो ठीक है, तो इसका करते हैं 2a + 4 का किससे करेंगे, a से, ये हो जाएगा a * 2a + 4, फिर a प्लस 2 का किससे होगा, 4 से, तो 4a प्लस 2 और फिर 1 का इससे होगा, तो ये हो गया 2a प्लस 4। इस तरीके से आपका इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ कि जीरो मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होगा, तो जो इसकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है, तो यहाँ जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स आप लिख सकते हो। और यहाँ देखो इन दोनों को अगर इक्वल करें तो क्या होगा, तो ये दोनों के ऑर्डर इक्वल है, करस्पोंडिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, तो ये जो पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। इस पार्ट को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ, तो आपका हो जाएगा
ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4a, 2a स्क्वायर प्लस 4a, और ये हो गया 4a प्लस 8, और ये आपका आ गया 2a प्लस 4 इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट ये कैंसिल ही हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 4a, 4a एंड 2a, देन 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2 से अगर इसको पूरे को डिवाइड करें तो आएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करें सिंपली तो हमको पता है इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लें, इन दोनों पार्ट से अगर a कॉमन ले लें तो ये आएगा a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 2 एंड a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 3, यह आपका a का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से और माइनस 3 इन दोनों में से कोई भी एक आप नंबर a की जगह पर ले सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10 कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें क्या कहा है लिख लेते हैं, a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1, एंड b मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल b 1 एंड माइनस 1, find the value of a and b. ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या किया है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, a और b मैट्रिक्स दे रखे हैं, a प्लस b होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a दे रखा है, अब ये हमको a और b फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये कंडीशन हमको की दे रखी है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे बस। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, a प्लस, चलो डायरेक्टली कर लेते हैं कि गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है a प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें सिंपली फॉर्म में लिखे हैं, तो a क्या है अपना 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 प्लस b की बात करें तो b हो गया a b 1 एंड माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या दे रखा है, a मैट्रिक्स को वो लिख लेते हैं 1 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, और a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को 2 टाइम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 एंड माइनस, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर को लिखेंगे तो b को 2 टाइम a b 1 माइनस 1, और उसके मल्टीप्लाई लिखेंगे a b 1 एंड माइनस 1, इस तरीके से हम कर लेंगे। चलो ठीक है, ये दोनों को इक्वल रख दिया, अब इसको सिंपलीफाई करना है बस। ठीक है, तो सिंपलीफाई करते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, और उसका स्क्वायर मतलब उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऐड कर लेते हैं और उसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं 1 प्लस a, यानी कि हो जाएगा a प्लस 1, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 प्लस b यानी b प्लस 2 लिख लेते हैं, और माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। और इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम, तो a प्लस 1 0 b प्लस 2
माइनस टू इस तरीके से, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ था। अगर हम इधर आए इस राइट हैंड साइड में देखें तो क्या हो रहा है, देखो रो मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर इस फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से -1 + 1 रिजल्ट 0, फिर 2 - 2 रिजल्ट 0, 2 और ये -2 और +1 यानी -1 - 2 और +1 यानी -1 आ जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आएगा देखो, a इंटू ए ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, ये रिजल्ट निकला। और इधर करें तो a मल्टीप्लाई 1 a और -1, फिर यहाँ करते हैं b a b और 1 से करेंगे तो -b a b माइनस बी। नेक्स्ट करें इसका मल्टीप्लाई इस सेकेंड रो से, सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा b और प्लस 1। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जिसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, तो कर लेते हैं a प्लस 1 मल्टीप्लाई a प्लस 1 a प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर 0 मल्टीप्लाई दिस 0 हो जाएगा, फिर हम करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं b प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस 1, b प्लस 2 मल्टीप्लाई a प्लस 1 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई b प्लस 2, ठीक है। फिर करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 0 और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 यानी रिजल्ट क्या आएगा, 4। यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड भी करना है, ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस 1, यहां पर इन दोनों को ऐड करें तो a b माइनस b एंड इन दोनों को करें तो ये हो जाएगा b माइनस 1 प्लस b प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये पार्ट इस पार्ट के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखो कि ये और ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल हैं, सेम ऑर्डर के हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। हमको क्या फाइंड करना है ना, ए और बी, तो ए और बी देखो ध्यान से कि हम इसको इक्वल रखें, ये कंडीशन निकालें, लेकिन हम इससे वो कंडीशन लें जिससे इजीली आंसर आए, तो ए माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, तो ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू क्या हो गया 1, और b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू हमको इसके इक्वल हो जाएगी 4 के, तो b इक्वल टू क्या आ गया 4। तो इस तरीके से आपके a और b की वैल्यू इसमें फाइंड हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो आज हमने मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। आगे के जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे।